मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान हमसे खफा क्यों है। अरे भाई, वो ये चाहती हैं कि हम छोटे हैं, लड़की के वालदैन हैं, जमशेद भाई की हर बात सर झुकाकर सुने। क्यों, दिमाग खराब हो गया हमारा? और तो और आगा जान भी साथ मिले हैं उनके। इसलिए दोनों ना मिल मिल के इफ्तारियां करते हैं, देखा था आपने? भाई बीजान को हमारी पोजीशन क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं तो कह रही हूँ आपको, ये सब के सब अंदर खाते मिले हुए हैं। वरना सोचे, कभी ऐसे हो सकता है कि मासूमा आपा इतना बड़ा फैसला कर ले और हमसे बात तक ना करें उसके बारे में? वैसे ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, मेरे हाथ में की दवा कहाँ है? अम्मा, वो शहरयार कुछ बुक्स लेने के लिए जा रहा है अपने लिए, मैं उसके साथ चली जाऊं? अरसल जाएगा साथ? नहीं, वो तो किंजा को शॉपिंग पे लेकर जा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ पर जल्दी आ जाना। जी जी, मैं आ जाऊंगी, खुदा हाफिज। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही हैं, बीजान को सब पता है। मुझे भी यही लग रहा है। हाथमी की दवा दे दो। काश ये दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे उठा लेता। ऐसे नहीं कहते, क्या खबर किस्मत में यही लिखा? पता नहीं, एक ही घर में कैसे रहेंगे, इतना बोझ और कीना पाल कर एक दूसरे के खिलाफ। बस अब तुम खुद को तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। बस अरसल मियां, आप कहाँ जा रहे हैं? आगा जी, अम्मा ने कहा कि किंजा को शॉपिंग करा लूं, तो वहीं जा रहे हैं। जाइए, मगर गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बीजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा मरहूमा कहा करती थी, निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत है, लेकिन मेरे अरसल और जिया पर तो असर ही नहीं हुआ इसका। आगा जी, मैं और जिया जाने से बाहर तक इसको अकाउंट्स की बुक्स लेनी है, थोड़ी देर में आते हैं। जी जल्दी आ जाइएगा, शहर के हालात ठीक नहीं है। जी हम जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। कम, लेट्स मूव। एक बात कहूं मुमताज, अगर तुम बुरा ना मानो। मैं तो बुरा मान मान कर भी थक गई हूं, बोलो। जहांगीर का फैसला जेआर और अरसल के निकाह के बारे में कोई गलत तो नहीं था? क्या मतलब? तुमने अभी जेआर और अरसल के चेहरे पे वो खुशी और इत्मीनान नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे दोनों अपने वालिदैन के फैसलों पर बहुत राजी हों। सुनो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम अरसल और किंजा को भी ले आते ना, कितना मजा आता। जी नहीं। क्यों? जिया, हम इतने से के बाद इस तरह साथ घूम रहे हैं, तुम तो मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही थी। हाँ तो सिचुएशन कुछ और थी ना शहरी उस वक्त, अब तो मेरी अरसल से दोस्ती हो गई है। नाम मत लो उसका। कॉफी पियोगी? हाँ, नेकी और पूछ पूछ, चलो। अच्छा सुनो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाले हो, गैस करो। मुझे एडमिशन मिल गया। यस, एक नहीं दो दो जगहों पर। नहीं करो, ओह गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? जिया, एडमिशन हो गया, लेकिन लेकिन क्या क्या हुआ? स्कॉलरशिप की वजह से यूनिवर्सिटी की फीस तो माफ हो गई है, पर हॉस्टल के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं। अरे हद हो गई है यार, उसकी फिक्र ही ना करो तुम, मुझे अरसल ने कह दिया था कि वो मुझे फुली सपोर्ट करेगा। अरसल क्यों, मैं क्यों नहीं? मतलब शेरी, मतलब तुम तो मेरे साथ होगे ना वहां पर? हाँ, मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ एडमिशन लेंगे। तो जिया, जब मैं आपके साथ वहां जा रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ ना आपका, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? यू डोंट हैव टू वरी, ओके? हाँ,
दिस वे।